यार मैं इसीलिए कहता हूँ कि तकरीबन 2 कुर्सियां तो रख। अभी खुद देख, यार बाल्टी के तूने ऊपर कही बैठ होगी गया। ये कुर्सी कितने की है अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज घर पे हूँ, काम पे नहीं गया। काम पे किस लिए नहीं गया, वजह ये थी कि काम जो है मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या वजह, ये मैं एक दिन वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा। बहरहाल अभी तकरीबन टाइम जो हो रहा है वो 3:30 बज रहे होंगे। अभी बाहर जा रहा हूँ उसकी दुकान पे, उससे एक छोटा सा काम है वो करते हैं, वहाँ चलते हैं, उससे थोड़ी बहुत बात बात भी करेंगे। तो बस अभी तो चलते हैं उसकी दुकान पे। क्या कह रहा है, कार्टून कहीं के कहाँ जा रहा है, ये दुकान पे वापसी। तो अभी चलते हैं दुकान के ऊपर। दुकान पे जा रहे हैं और दुकान पे जाके यार ये बिस्किट मंगवाए थे, अभी ये रिटर्न करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये जो बिस्किट है ना, ये ब्लैक चॉकलेट वाला दे दो। हाँ वो बोले सफ़ेद चॉकलेट वाला नहीं, दूसरा वाला, काली चॉकलेट वाला। हाँ हाँ, और ये एक और होता है ना काली चॉकलेट वाला। नहीं नहीं यही वाला बिस्किट, इस पर काली चॉकलेट भी आती है। तो वो वाला नहीं है आपके पास, चलो कोई बात नहीं, दियो फिर मैं वहाँ जाके देखता हूँ। सही, अभी जो बिस्किट है वो तो यहाँ नहीं मिले हैं, माफी करा दिए। अब जाता हूँ जफर के पास, उस नमूने के पास देखते हैं वहाँ मिलते हैं या नहीं। चलो अस्सलाम वालेकुम। ओरियो ओरियो, हाँ 30 वाला और काली चॉकलेट वाला, ब्लैक चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट। देखो इसके पास मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी वैरायटी रखता है ये। हाँ देखो कहाँ था ना मिलेगा बिस्किट। अच्छा चल मैं आता हूँ ये देखे, मैं वापसी आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं वापसी घर पे, बिस्किट है, बिस्किट दे के हम वापसी आते हैं और फिर बैठते हैं इसके साथ और थोड़ी गप्पे मारेंगे। अभी मजाक ही है, मजाक ही है दोस्त हमारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, वो अलग बात है पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पी लेंगे। हाँ ये चेक करो, देखो ओरियो ही है और ये चॉकलेट इसकी दूसरी है, वो देखो सफ़ेद है ना। हाँ तो ये इसकी ब्राउन है, का है। हाँ तो बस अभी ये देख के हम वापसी उसके दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे मिलते हैं हम। चल सही है, फिर गेट खोल, अभी देखते हैं गेट से आते हैं, खुलेगा हमारे लिए गेट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आ जाइए टाइट, हमें भी आता है गेट बंद करना। यार मैं इसीलिए कहता हूँ कि तकरीबन 2 कुर्सियाँ तो रख। अभी खुद देख, बाल्टी के ऊपर बैठ गया। कुर्सी कितने की है वैसे ही, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये कबाड़ी नहीं है अपने पास, इससे कोई देख ले। ये भी आराम कितने का देगा, 100-500 का तो देगा। तो भी नहीं दियो, मजाक कर रहा हूँ। चल ये बंद कर, वो वहाँ से कट कर दूँगा, जैसे गाली दिए ना यूँ आएगी। बाकी अच्छी है यार, सब कुछ रखा हुआ है, सही है। वैसे अंडा कितने का दे रहा है? अंडा बाकी हर जगह 28 का चल रहा है, मैं 25 का दे रहा हूँ। लोग तू दे रहा है कि मुर्गी दे रही है, पहले बता। लोग महंगाई का मुनाफा, तू दे रहा है कि मुर्गी दे रही है, क्योंकि तू तो बेच रहा है। मैं तो लेके बेच रहा हूँ ना, दे तो आखिर यार बात है मुर्गी। चल लेके बेच रहा है, इंसान से नहीं निकलेगा। तू भी ना बातें कर रहा है। नहीं रेट अच्छे होते हैं इसके, काफी बेहतर है। लेकिन अब क्या कहें, पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर इतनी महंगाई हुई पड़ी है, ये बेचारा 2-4 रुपए कम करेगा उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या फ्री में दे दूं? ये सारी जो महंगाई खत्म होगी ये सिर्फ हुकूमत से हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अब क्या कहें, समझ रहे हो ना, महंगाई का नाम लेके बस। हमारे मुल्क में पता क्या सीन है, 100 रुपए बढ़ाते हैं चीज पे,
तो 10 रुपए कम कर देना। अब वो लोग वो 9 रुपए नहीं देखते कि 9 रुपए बड़े में, वो देखते हैं कि हाँ 10 रुपए कम करें, 10 रुपए देखते, यही रोना धोना है। खैर अभी थोड़ी देर बैठे हैं हम, भाई से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करते हैं। सुन रहे हो, पैसे दे के। सो गाइस अभी वक्त हुआ है नमाज का, क्योंकि अभी अभी असर की अजान हुई है और सामने ही मस्जिद है। अगर मैं दिखाऊँ वो मस्जिद की दीवार है, और अब जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने के लिए, वाला मैं जा रहा हूँ, ये भी शायद चले या क्या पता ना चले, चलेगा चलो इंशाल्लाह हम चलते हैं नमाज पढ़ने, और नमाज के बाद जाएंगे घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कराची में मौसम बहुत गर्म है। चलो नमाज पढ़ने। सो गाइस अभी अभी नमाज़ पढ़ के वापसी आए हैं, घर पे आया हूँ अपने, और अब थोड़ी देर बैठता हूँ फिर सोचता हूँ कि कहाँ जाऊँ बाहर, क्योंकि शाम का वक्त है, देखो ऊपर वक्त है शाम का, लेकिन गर्मी यार इस कदर गर्मी है कि बस मत पूछो। अभी भी शर्ट मेरी गीली हो गई थी, क्योंकि उसके दुकान पे, दोस्त की दुकान पे बैठा हुआ था तो थक गया था, इसलिए अभी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के वापसी घर आए, अब थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर मोबाइल पे कुछ करते हैं। yeah!